हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटकोटेक पर। दोस्तों मैं हूं रंजित और चलिए आज बताने वाला हूं फैब्रिकेशन कॉलम ड्राइंग कैसे देखोगे, तो वीडियो में बने रहिए। ड्राइंग में सबसे पहले हम लोग को टाइटल देखना है क्या जॉब है। यहां पर टाइटल दिया गया है, देखिए एक्सचेंजर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ कॉलम, मतलब ये हम लोग का कॉलम ड्राइंग है। यहां प्रोजेक्शन सिंबल दिया गया है, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल है। उसका बाद नोट्स देखना है, ये नोट्स में डिटेल्स दिया गया रहता है कि इस ड्राइंग में कैसे आप लोग काम करोगे। पहला दिया गया है ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर, मतलब जो भी ड्राइंग में डायमेंशन दिया गया है उसको मिलीमीटर में लेना है। देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल, इसमें दिया गया रहता है कि क्या मार्क नंबर का जॉब बन रहा है, उसमें क्या आइटम लग रहे हैं, उसका क्या लेंथ है और क्या वेट है, उसको डिटेल्स में दिया गया रहता है। नीचे में दिया गया है इस ड्राइंग में कितना वेट का जॉब बन रहा है उसको दिया गया है। तो इधर देखिए केजी में दिया गया है, इसको इधर टन में दिया गया है। ये देखने के बाद में हम लोग ड्राइंग देखेंगे। ये हो गया हम लोग का कॉलम ड्राइंग। इस ड्राइंग का नीचे में मार्क नंबर दिया गया रहता है। ये हो गया हम लोग का मार्क नंबर, वन नंबर कॉलम रिक्वायर्ड एज ड्राइंग एंड नोटेड मार्क नंबर 212 एंड मार्क नंबर 216। इसी ड्राइंग से हम लोग को दो मार्क नंबर का जॉब बनाना है, एक का मार्क नंबर है 212 और एक मार्क नंबर है हम लोग को 216। सबसे पहले हम लोग को देखना है ये क्या आइटम है। ये यहाँ पर दो लाइन दिख रहा है, देखिए इधर में दो लाइन दिख रहा है, इसको एरो मार्क करके दिया गया है क्या आइटम है। यूसी मतलब यूसी बीम है 356 × 368 × 202 और नीचे में दिया गया है लेंथ 6 मीटर 120 और इधर 27 नंबर आइटम को सर्कल करके दिया गया है 4M212, मतलब ये 212 मार्क नंबर के लिए 27 नंबर आइटम है। और 31 नंबर आइटम 4M216 मार्क नंबर के लिए हम लोग का 31 नंबर आइटम है। ये हो गया हम लोग का बीम का लेंथ। अभी जॉब का टोटल लेंथ देखेंगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये बेस प्लेट का नीचे से दिया गया है डायमेंशन, ये देखिए। अभी हम लोग ऊपर में देखेंगे टॉप में, ये देखिए बीम का एंड टॉप में इसका डायमेंशन बीचों बीच में दिया गया रहता है। ये देखिए 6 मीटर 160, मतलब टोटल जॉब का लेंथ है 6 मीटर 160 और हम लोग का बीम का लेंथ है 6 मीटर 120। तो हम लोग बेस प्लेट देखेंगे हम लोग कितना का है। ये बेस प्लेट हम लोग का हो गया 40 mm, मतलब ये 6 मीटर 160 से 40 mm माइनस होने से हम लोग का बीम का लेंथ निकल जाएगा 6 मीटर 120, मतलब बीम का लेंथ और हम लोग का टोटल जॉब का लेंथ डायमेंशन हम लोग का सही है। अभी इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। ड्राइंग में हम लोग का बीम अभी फ्लैट पोजीशन में रखा गया है। मान लीजिए हम लोग का प्लांच है, ये प्लांच है, इसे फ्लैट पोजीशन में रखा गया है। तो इसका साइड के देखने के लिए हम लोग का सेक्शन RR कटा हुआ है, ये देखिए सेक्शन R और ऊपर में देखिए सेक्शन R, मतलब ये बीम को इधर से देखने के लिए बोल रहा है। सेक्शन RR में इधर से देखने के लिए बोल रहा है, इसे खड़ा पोजिशन में। तो सेक्शन RR देखिए यहाँ पर कटा हुआ है सेक्शन RR, इसमें हम लोग को ये हो गया बीम का वेव को दिखाया है ऐसे खड़ा पोजीशन में दिखाया है। उसका बाद यहाँ नीचे देखिए हम लोग को यहाँ पर फ्लैट पोजीशन में, उसका बाद यहाँ ड्राइंग में दिया गया है, देखिए नीचे 213 212 211, इसका साइड में सेक्शन RR में दिया गया, देखिए सेंटर में M और इधर B1 ये L, ये क्या चीज़ है, ये किस लिए दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसको हम लोग की प्लान में पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं की प्लान का की प्लान, इसको प्लान व्यू भी बोलते हैं। एक की प्लान होता क्या है, ड्राइंग बनने के बाद में ऊपर से जो व्यू दिखता है, मतलब टॉप से जो व्यू दिखता है और उसका डायमेंशन यह की प्लान में दिया गया रहता है। कॉलम ये कॉलम है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम है। तो हम लोग को बनाना है मार्क नंबर 212। तो ये हो गया हम लोग का कॉलम खड़ा पोजीशन में दिखा रहा है, ये है प्लांच, ये प्लांच सेंटर का वेब है, तो खड़ा पोजीशन में कॉलम को दिखा रहा है ऐसे खड़ा पोजीशन में। तो इसका सेंटर से दिया हुआ है देखिए यहाँ ये 212 और इधर में दिया हुआ है 211, इधर में दिया हुआ है 213। तो ये प्लांच का सेंटर से देखिए यहाँ दिया हुआ है ये M सेंटर का और इधर में L दिया हुआ है और इधर में P। जैसे कि ड्राइंग में चलिए देखेंगे, ये हो गया 213, ये 212, ये 211, इसको प्लांच का सेंटर को दिया हुआ है देखिए M, इधर P दिया हुआ, P1 दिया हुआ है, इधर L दिया है।
हम लोग का बीम खड़ा पोजीशन में दिखाया है। ये देखिए मार्क नंबर 212, यहाँ पर फ्लांच है, ये फ्लांच है, बीच का वेब है। तो यहाँ देखिए हम लोग का खड़ा पोजीशन में है, यहाँ जैसे खड़ा पोजीशन में दिखाया है, यहाँ भी खड़ा पोजीशन में है। ये हो गया फ्लांच, ये हो गया फ्लांच, ये बीच का वेब। बीच का वेब को दिखाया है सेंटर को 212, और इधर का दिखाया है 211, और इधर का दिखा रहा है हम लोग का 213। मतलब ये जो फ्लांच का कनेक्शन हम लोग का 213, मतलब ये वाला कॉलम में हम लोग का कनेक्शन आएगा। ये फ्लांच का कनेक्शन हम लोग का ये वाला कॉलम का साथ में क्रॉस ब्रेसिंग होगा, उसीलिए दिखाया है 213। और इधर का फ्लांच का कनेक्शन हम लोग का ये वाला कॉलम में कनेक्शन होगा, उसीलिए दिखाया है 211। इधर का फ्लांच ऐसे यहाँ से कनेक्शन ये वाला कॉलम में होगा, ये क्रॉस ब्रेसिंग होगा। और इधर का फ्लांच का कनेक्शन हम लोग का ये वाला कॉलम का साथ में क्रॉस ब्रेसिंग होगा। और वेब का हम लोग का कनेक्शन जो दिखा रहा है, ये वेब का कनेक्शन हम लोग का ये P1 212 कॉलम का साथ में हम लोग का कनेक्शन होगा, और इधर का हम लोग का ये वाला कॉलम का साथ में कनेक्शन होगा। खड़ा पोजीशन है फ्लांच का साइड से, यहाँ ये सेंटर में M दिया हुआ है, और इधर L दिया हुआ है, और इधर P1। मतलब ये हो गया हम लोग का फ्लांच, ये वाला फ्लांच, ये वाला फ्लांच, ये वाला फ्लांच हो गया। तो ये हो गया हम लोग का M, तो ये फ्लांच का सेंटर हम लोग का M है, उसका बाद L, इधर का L होगा वेब, और इधर का वेब होगा P1। तो P1 इसलिए दिया हुआ है तो ये वाला कनेक्शन ये वाला कॉलम का साथ में कनेक्शन होगा। L इसलिए दिया हुआ है कि ये वाला कॉलम का साथ में कनेक्शन होगा, उसे ले दिया हुआ है क्रॉस ब्रेसिंग। तो चलिए देखेंगे ड्राइंग में बेस प्लेट का फिट ऑफ के लिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है सेक्शन BB, मतलब यहाँ पर कटा गया है R, इसको यहाँ खड़ा पोजिशन में कटा गया है। देखिए ये खड़ा पोजिशन, ये सेक्शन RR यहाँ पर खड़ा पोजीशन में रखा गया है, यहाँ फ्लांच ऊपर में दिखा रहा है। तो ये बेस प्लेट फिटअप के लिए हम लोग को BB दिखा रहा है, मतलब सेक्शन BB में हम लोग को ऐसे खड़ा पोजीशन में दिखा रहा है। तो चलिए देखेंगे सेक्शन BB, ये हो गया सेक्शन BB। यहाँ देखिए हम लोग को बीम को खड़ा पोजीशन में दिखा रहा है इसे। ये हो गया हम लोग का फ्लांच, ये फ्लांच हो गया, ये वेब, और इसको बेस प्लेट है, इसको एरो मार करके दिया गया है इसका क्या साइज है। EL मतलब प्लेट है 550 × 40, फिर 550 दिया हुआ है, ये दो नंबर आइटम है, उसीलिए इसको सर्कल करके दिया गया है। इसका होल मार्किंग देखिए, ये प्लेट का सेंटर से 75 75, इसका सेंटर से फिर 75 75, ये होल का साइज दिया हुआ है देखिए 33 थीटा होल, मतलब 33 का होल होगा। ये प्लेट फिट ऑफ हो गया। अभी हम लोग आगे का फिट ऑफ देखेंगे, तो हम लोग अभी फ्लांच का फिट ऑफ देखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है सेक्शन J दिया हुआ है, ये यहाँ पर देखिए एरो मार्कर के दिया गया है 4M 212। ये जो J दिया हुआ है सेक्शन, ये 212 मार्क नंबर में हम लोग को करना है। फिर उसका बाद दिया हुआ है देखिए इधर में 4J सेक्शन, ये 4 मार्क नंबर 216 के लिए, 216 मार्क नंबर में ये वाला हम लोग का होल होगा। तो हम लोग उसका बाद दिखा रही है हम लोग का ये टूल को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले फ्लांच का हम लोग को फिट ऑफ को देखना है। तो इसका होल मार्किंग के लिए हम लोग को देखिए डायमेंशन दिया हुआ है, ये बेस प्लेट नीचे से देखिए, ये बेस प्लेट नीचे से यहाँ तक का हम लोग का डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर 760, मतलब यहाँ तक का हम लोग का डायमेंशन दिया हुआ है 2 मीटर 760। 2 मीटर 760 से हम लोग राइट एंगल मार देंगे सेक्शन JJ। हम लोग का ऐसे बीम को ऐसे फ्लैट पोजिशन में रखा हुआ है, तो हम लोग अभी सेक्शन JJ में ऐसे खड़ा पोजीशन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग सेक्शन JJ देखेंगे। सेक्शन JJ यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लोग का बीम का फ्लांच है। बीम का फ्लांच सेंटर से 65 65 लेना है, ये 2 मीटर 750 लाइन से हम लोग का 130 हम लोग का डाउन लेना है, उसका बाद 70 70 लेना है। ये होल का साइज दिया हुआ है देखिए यहाँ 21.3 थीटा, मतलब 21.3 का होल होगा। देखिए 2 मीटर 760 से ये लाइन से हम लोग का 130 ये वाला होल है, फिर ये 70 है, ये 70 है, ऐसे हम लोग को मार्किंग होल करना है। आगे का फिट ऑफ देखेंगे, ये वाला यहाँ दिखा रहा है देखिए के सेक्शन, फिर इधर में दिखा रहा है के दिखा रहा है, ये फ्लांच में ये वाला होल का दिखा रहा है देखिए, ये फ्लांच में 2 होलर है, इधर में 2 होलर है। तो इसका डायमेंशन देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को डायमेंशन दिया गया है 1 मीटर 150। इसका सेक्शन के में देखेंगे
इधर का भी हम लोग का सेक्शन के है, मतलब सेम सेक्शन देखना है। ये देखिए सेक्शन के यहाँ बीम हम लोग का खड़ा पोजीशन में दिखा रहा है, प्लांच को दिखा रहा है। सेंटर से प्लांच का सेंटर से 65 65, फिर ये 90 है, फिर 70 है। मतलब ये हम लोग का 1 मीटर 150 लाइन से यहाँ से पहला होल हम लोग का 90 फिर 70 लेना है। ये वाला देखिए ये 1 मीटर 150 है, यहाँ 90 लेना है पहला होल, फिर 70 लेना है। दोनों साइड में हम लोग का के है, दोनों सेम होगा। वो इधर का के में जैसे होगा, इधर का के भी हम लोग का सेम ही। आगे का फिटअप देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है एरो मार्क करके, 7 नंबर आइटम बोल रही है, बोथ साइड लगेगा। मतलब वेब में नियर साइड में भी लगेगा, हर साइड में भी लगेगा। ये 7 नंबर आइटम क्या आइटम है उसको जाके देखेंगे बिलो मटेरियल में। ये हो गया हम लोग का मार्क नंबर 212। ये 7 नंबर आइटम हम लोग को देखना है। PL बोल रहा है प्लेट है 290 × 20, मतलब 290 चौड़ाई है और 20 एम एम हम लोग का थिकनेस है। लेंथ है 2 मीटर 140। इधर दिखा रहे 2 क्वांटिटी। ये वेब में हम लोग का प्लेट जो किटॉप हो रहा है, इसका हम लोग किटॉप के लिए डायमेंशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये टॉप बीम का टॉप से हम लोग का दिया हुआ है 30 mm डाउन में। 30 mm डाउन से हम लोग का वेब प्लेट लगेगा, दोनों साइड में लगेगा। में जो प्लेट दे रहा है ये हम लोग का बीम का स्ट्रेंथ के लिए हम लोग को दे रहा है। तो उसका बाद हम लोग का ये जो फ्रांच में होल दिखा रहा है, इधर भी होल दिखा रहा है, इसका हम लोग अभी देखेंगे सेक्शन L दिखा रहा है। देखिए इधर में भी सेक्शन L दिखा रहा है, मतलब बीम ऐसे फ्लैट पोजिशन में है, इसको L दिखा रहा है, मतलब इधर से ऐसे खड़ा पोजिशन में L दिखा रहा है, फिर अपोजिट में भी L दिखा रहा है। तो चलिए देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सेक्शन L 375। ये हो गया हम लोग का बीम का फ्रांच हो गया, ये खड़ा पोजीशन में दिखा रहा है। फ्रांच में हम लोग का पहला टॉप से 90 में होल होगा, फिर 60 में होगा, 145 में होल होगा, फिर यहाँ पर दिया गया है 620 दिया गया है। इसको यहाँ से देखिए 5@124 दिया गया है, मतलब यहाँ से 124 लेना है, फिर 124, फिर 124, ऐसे करके 5 124 लेना है। उसके बाद 220 दिया गया है। उसके बाद यहाँ से देखिए दिया गया है यहाँ तक का डायमेंशन 680। इसको 4@170, मतलब 170 करके 4 लेना है, 170 170 170, ऐसे 4 170 लेना है। फिर आ गया 140 है, ऐसे आप लोगों को होल लेना है। और ये सेंटर से इधर 75 इधर 75 दिया हुआ है। ये होल का हम लोग को एरो मार्क करके दिया गया है। देखिए 38 θ होल्स, मतलब 38 का होल होगा। तो सारा हो गया। अभी हम लोग को देखना है ये वेब का, यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये गैसेट देखिए, यहाँ पर दिखा रहे ये स्टूल दिखा रहा है, यहाँ गैसेट दिखा रहा है देखिए, और ये सब रिप दिखा रहा है, यहाँ पर ये रिप दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। इसको हम लोग अभी फिटअप करेंगे। तो इसको कैसे हम लोग कहाँ जाके देखेंगे इसको, तो इसको हम लोग अभी कहाँ पर जाके देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है देखिए सेक्शन R, और ये हो गया R, मतलब यहाँ बीम हम लोग का ऐसे फ्लैट पोजिशन में है। इसको सेक्शन R में जाके देखेंगे, जैसे सेक्शन R, और इधर में दिया गया है सेक्शन R। तो इसको हम लोग सेक्शन RR में हम लोग का ऐसे खड़ा पोजीशन में दिखाया। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया सेक्शन RR, हम लोग का यहाँ पर देखिए यहाँ खड़ा पोजीशन में दिखाया है, यहाँ पर ऐसे खड़ा पोजीशन में दिखाया। ये हो गया हम लोग का नियर साइड, मतलब सामने में जो दिखता है उसको हम लोग नियर साइड बोलते हैं, जो बैक में रहता है वो हम लोग का फर्स्ट साइड होता है। तो यहाँ पर हम लोग का एक गैसेट दिखा रहा है, तो इसके ऐसे खड़ा पोजीशन में करने से यहाँ पर ऐसे फ्लैट पोजीशन में बीम है, इसको यहाँ पर सेक्शन आर आर में खड़ा पोजीशन में दिखाए, तो ये हम लोग का वेब में लग रहा है। ये वाला गैसेट देखिए, तो ये नियर में लग रहा है, उसलिए इसे खड़ा करने से ये हम लोग का इधर दिखा रहा है। तो ये वाला गैसेट को फिटअप के लिए देखिए यहाँ दिया गया है, ये हम लोग का बेस प्लेट का एंड से यहाँ से हम लोग का पहला ये होल सेंटर हम लोग देखेंगे 518, जहाँ आएगा वहीं पर फिटअप होगा। उसके बाद इसका होल देखिए 3@70 दिया गया है, उसके बाद नीचे 225 दिया गया है, मतलब 3@70, मतलब यहाँ ए होल से 75 75 75 ऐसे लेना है। इसको एरो मार्क करके दिया गया है क्या होल का साइज है, 31.3 दिया गया है होल का साइज। आगे का फिटअप देखेंगे, ये हम लोग का गैसेट फिटअप हो गया, और इसका बैक में हम लोग का रीब आ रहा है। उसके बाद ये हम लोग का स्टूल प्लेट देखेंगे, ये वाला स्टूल प्लेट हम लोग का वैसे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हम लोग का फ्लैट पोजिशन में है,
यहाँ पर हम लोग को व्यू को इसे खड़ा पोजिशन में दिखाया है, मतलब जो सामने में लग रहा है हम लोग का वो हम लोग का इस साइड में दिखा रहा है, और बैक में जो लग रहा है हम लोग का हर साइड में जो लग रहा है वो इधर में दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जैसे ये नियर साइड सामने में लग रहा है, नियर साइड में लग रहा है तो इधर दिखा रहा है, ये हम लोग का नियर साइड लिखा हुआ है, देखिए नियर साइड NS मतलब नियर साइड 38 नंबर आइटम, तो इधर में दिखा रहा है देखिए। तो इसका डायमेंशन देखिए, इसका डायमेंशन वही सेम है, ये बेस प्लेट का एंड से, बेस प्लेट का एंड से देखिए 2 मीटर 760, मतलब इधर में जो दिया हुआ था 2 मीटर 760 वही डायमेंशन से हम लोग का लग रहा है, ये 2 मीटर 760 ये डायमेंशन आ गया। उसका बाद देखिए यहाँ पर दिखा रही है 29 नंबर आइटम प्लेट 75x12mm थिकनेस 400 लेंथ, मतलब ये जो रिप लग रहा है हम लोग का 12mm का थिकनेस है और इसका चौड़ाई है 75mm और लेंथ हम लोग का 400 है। तो इसका हम लोग का होल प्लेट के लिए देखिए, ये हम लोग का होल प्लेट है, ये हम लोग का होल जो दिखा रहा है ये 3 होल दिखा रहा है, इसको देखने के लिए हम लोग का सेक्शन S में बोल रहा है, तो ऐसे पोजिशन में है तो इसको सेक्शन SS में ऐसे देखेंगे। तो चलिए देखेंगे सेक्शन SS, ये हो गया हम लोग का सेक्शन SS, ये देखिए हम लोग का प्लेट का साइज, इसको एरो मार्क करके दिया गया है, PL मतलब 180 प्लेट है चौड़ाई, 12mm का थिकनेस है, लेंथ हम लोग का 400 है और 30 नंबर आइटम है। तो ये देखिए ये प्लेट का 180 चौड़ाई, सेंटर से हम लोग का 50 है, इधर 50 और प्लेट का टॉप से 60 80 80 दिया गया है, T1 के लगेगा। तो ये होगा 2 मीटर 760 लाइन से हम लोग का पहला होल रहेगा हम लोग का 60, उसके बाद 80 80, ऐसे हम लोग को फिट ऑफ करना है। उसका बाद हम लोग आगे का फिट ऑफ देखेंगे, ये जो दिख रहा है ये स्टूल प्लेट फिट ऑफ हो गया, अभी हम लोग इसका देखेंगे, ये जो दिख रहा है डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ से हम लोग को दिया गया है डायमेंशन, यहाँ से हम लोग को डायमेंशन दिया गया है 1 मीटर 180, 1 मीटर 180 से हम लोग का फिट ऑफ होगा। ये रिब हो गया और ये हो गया हम लोग का होल प्लेट, इसको देखने के लिए जी बोल रहा है, ये हो गया हम लोग का सेक्शन जी, ये हो गया हम लोग का प्लेट, इसका साइज दिया गया 160x10x300mm लेंथ है और इसका सेंटर से देखिए 160 दिया गया है इसका चौड़ाई, इसका सेंटर से 40, इधर 40, फिर ऊपर से 60 80 80 दिया गया है और होल एरो मार्क करके दिया गया है, ये क्या साइज है 21.3 होल होगा। ये वाला डायमेंशन से लेके हम लोग का 1 मीटर 180 से ये होल प्लेट पहला हम लोग का होल होगा 60, उसके बाद 80 80, इसे हम लोग को फिट ऑफ करना है। इसका डायमेंशन के लिए देखिए यहाँ से दिया गया है 1700 लाइन से हम लोग का ये लगेगा। तो ये हम लोग का हो गया रिप, ये हो गया हम लोग का रिप 14 नंबर आइटम, उसका बाद ये होल प्लेट है, इसका सेक्शन देखने के लिए हम लोग का बोल रहा है H बोल रहा है H इधर से देखने के लिए, हो गया हम लोग का सेक्शन HH, इसको एरो मार्क करके दिया गया है, देखिए PL मतलब प्लेट है, 200mm चौड़ाई है, 16mm थिकनेस है, 340 लेंथ है, 15 नंबर आइटम। ये हम लोग का प्लेट का सेंटर से 60 60, टॉप से हम लोग का 100 है, उसके बाद 70 फिर 70 है, उसका बाद ये 100 में पहला होल रहेगा, फिर 70 फिर 70, ऐसे हम लोग को फिट ऑफ करना है। ये H हो गया, अभी हम लोग देखेंगे D ए वाला आइटम को दिखा रहा है, ए वाला जो रिप लग रहा है ए वाला आइटम को दिखा रहा है, इसका डायमेंशन देखिए ये टॉप से दिया गया है 150, टॉप से बीम का टॉप से 150 से हम लोग का ये लगेगा। तो ये हम लोग का क्या आइटम है देखेंगे, चलिए सेक्शन DD में, मतलब हम लोग को ये हो गया हम लोग का सेक्शन DD, ऐसे खड़ा पोजिशन में दिखा रहा है, देखिए ये हो गया हम लोग का वेब में हम लोग का रिप प्लेट लग रहा है। तो ये हो गया हम लोग का फ्लांज, ये हो गया फ्लांज और सेंटर का वेब है, ये हम लोग का रिब है, देखिए 5 नंबर आइटम, ये 5 नंबर आइटम, ये वाला हम लोग का हो गया वेब में लग रहा है, मतलब ये इधर टॉप में वेब में लग रहा है नियर साइड में और फर्स्ट साइड में भी लग रहा है, ये वाला हम लोग का रिब है, ये वाला रिब नियर साइड का और फर्स्ट साइड में जो नीचे लग रहा है वाला ये वाला है। तो ऐसे ही ड्राइंग देख के आप लोग को आगे काम करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।